दिल्ली में बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर मैरिज और डेथ सर्टिफिकेट बनवाने का काम घर बैठे होगा। दिल्ली सरकार ने 40 जरूरी सेवाओं पर होम डिलीवरी देना तय किया है। सीएम अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया। दिल्ली सरकार के 8 विभागों की ये 40 सेवाएं हैं। जाति प्रमाण पत्र बनवाने जैसे काम सिर्फ एक फोन कॉल पर ही हो सकेंगे। दिल्ली सरकार का दावा है कि जरूरी सेवाओं की होम डिलीवरी से 25 लाख लोगों को फायदा होगा। 40 सेवाओं के लिए सरकार निजी कंपनी से भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। होम डिलीवरी सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक होगी। होम डिलीवरी पर सर्विस चार्ज तय होना भी बाकी है। दिल्ली सरकार का कहना है कि स्कीम शुरू होने के बाद वो इसमें 30 नई सर्विस और जोड़ेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस से उसका एक्शन प्लान बताने को कहा। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया कि 11 दिसंबर को वो खुद पेश हो या उनका कोई सीनियर अधिकारी कोर्ट में पेश हो। दिल्ली पुलिस की ओर से पुलिस कर्मियों की कमी बताने पर कोर्ट ने कहा कि कम से कम वो पद तो भर लें जिनकी मंजूरी मिल चुकी है। केजरीवाल सरकार ने अपनी फ्लैगशिप की मोहल्ला क्लिनिक को आगे बढ़ाने की तैयारी कर ली है। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन की बैठक में 1000 मोहल्ला क्लिनिक शुरू करने को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही रोगी कल्याण समिति को दिल्ली के नेबसराय में पति पत्नी की खुदकुशी की गुत्थी उलझ गई है। रामचंद्र और उनकी पत्नी नीतू ने कल घर में फांसी लगा ली थी। दोनों की शादी को 4 साल ही हुए थे। जिस वक्त फांसी लगाई गई उस वक्त उनके दोनों बच्चे सोए हुए थे। पुलिस को कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है जिससे वजह मालूम हो सके। मल्टी स्टोरी पार्किंग के बाद अब मुंबई में मल्टी स्टोरी टॉयलेट कल्चर आने जा रहा है। बीएमसी ने मुंबई में जगह की कमी को देखते हुए प्लान बनाया है जिसके तहत मुंबई में 18,818 पब्लिक टॉयलेट बॉक्स बनाए जाएंगे। इन्हें बनाने में 376 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। नवी मुंबई के जुईनगर की बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच में सींग लगाकर लॉकर्स पर हाथ साफ करने वालों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में लुटेरों के चेहरे तो नहीं दिख रहे हैं लेकिन वो थैलों में लूट का सामान ले जाते दिखाई दे रहे हैं। लुटेरों ने सुरंग बनाकर बैंक में सेंग लगाई थी। बैंक के 27 लॉकर टूटे पाए गए थे। मुंबई के पास बदलापुर में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1 देसी कट्टा बरामद किया। ये गिरफ्तारी बदलापुर नगर पालिका मुख्यालय के पास हुई। बदलापुर में 21 नवंबर को नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव होना है। पुलिस जांच कर रही है कि क्या आरोपियों का इस चुनाव से कोई संबंध है।